फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम मद्रास महाविद्यालय 12th अकाउंट्स। अकाउंट्स में कौन कौन से हमारे चैप्टर हो चुके हैं? फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सेकंड इफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फोर्थ चैप्टर हमारा फिफ्थ था कौन सा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर अभी चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ किसे कहते हैं? जो हमारी चालू पीढ़ी है उसमें जो साझेदार है, जो करंट में जो काम कर रहे हैं, तीन साझेदार है, ए बी और सी, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, तीन पार्टनर, तीनों में से कोई एक पार्टनर वह जो चालू जो बिजनेस है छोड़ के चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसे क्या कहते हैं? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। तो इन संजोगों में क्या किया जाएगा? जो हमारा पुराना बिजनेस है वह बंद नहीं होगा, वह कंटिन्यू ही रहेगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं वह धंधे को चलाते ही रहेंगे, पर कुछ कंडीशन, कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर वह धंधे को चलाते आएंगे, ठीक है ना। आया सबको समझ में? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं? जब कोई पुराने साझेदार में से किसी की मृत्यु हो जाए या वह धंधा छोड़कर चला जाए, पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर चला जाए, तो उसे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर कहते हैं। ये के जो कौन कौन से होते हैं, दो मुख्य रूप से संजोग होते हैं। फर्स्ट भारतीय अधिनियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, ठीक है। सेकंड, साझेदार की निवृत्त निजी कारणों से स्वेच्छा से निवृत्त हो। फर्स्ट भारतीय अधिनियम के अनुसार, इसमें फर्स्ट सर्वसहमति से जो भी करंट पार्टनर्स हैं, एक बिजनेस के अंदर तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, ठीक है, तीनों के तीनों मिलकर डिसाइड करें, तीनों के तीनों मिलकर डिसाइड करें, एक को अभी क्या करना है, उसको रिटायर करना है, उसको बिजनेस से निकाल देना है, उसको उसकी सेवाओं में से निवृत्त करना है, तभी उस पार्टनर्स को रिटायरमेंट या उस धंधे में से मुक्ति मिलती है, ठीक है। सेकंड, नोटिस देकर, इसमें भी फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसके अंदर तीन पार्टनर है, तीन तो चार होंगे, चार पार्टनर है, वो क्या करते हैं, जो जो चालू जो साझेदार है वो सोचते हैं कि जो साझेदार सी है प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर रहा, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको लाभ में ऐसे ही बेनिफिट मिल रहा है, तो उस कारण सो क्या करेंगे, बाकी के जो तीन पार्टनर्स हैं जो साझेदारी करार के अनुसार, उसको सी को नोटिस देकर साझेदारी का उसको रिटायर कर सकते हैं, उसको निवृत्त कर सकते हैं, धंधे में से मुक्ति दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करार के द्वारा जो हमारी पार्टनरशिप जब चालू होती है, तो उस पार्टनरशिप डीट में क्या टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया जाता है कि जो हमारी पार्टनरशिप है 10 ईयर्स के लिए है, 20 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जैसे ही समय अवधि काम पूरी हुई है, पीरियड पूरा हुआ, तो क्या होगा, उस पार्टनर को खुद ब खुद उस धंधे में से, उस पार्टनरशिप फॉर्म में से निवृत्ति मिल जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। इसके बाद साझेदारी जब दिवालिया हो चुकी, ठीक है, जो पार्टनर जो धंधे के अंदर जुड़े हुए हैं उसमें से कोई एक पार्टनर दिवालिया घोषित, यानी नादार, किसी भी रकम का धंधे के अंदर वह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हो, किसी भी तरह से धंधे में या पर्सनली वो दिवाले घोषित हो जाए, तो जब फर्म जब बनती है, पार्टनरशिप फर्म बनती है, तब उसमें करार में लिखा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित होता है तो पार्टनरशिप का अंत आता है। कब से अंत आएगा? जिस दिन से, जिस डेट से दिवालिया घोषित हुआ है, तब से पार्टनरशिप में उसकी खुद ब खुद निवृत्ति हो जाती है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट,
सरकार की मृत्यु होनी चाहिए। भारतीय अधिनियम में एक और नियम है, वो कब मुक्ति पाता है पार्टनरशिप फॉर्म में से, कब रिटायरमेंट कब निकल जाता है, जब उसकी डेथ हो जाए, उसकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती, उसकी मृत्यु होने के कारण भी उसको धंधे में से उसको निकाल दिया जाता है या खुद ब खुद निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद अन्य साझा के द्वारा मुक्ति है, मैंने जैसे बताया जैसे तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर है जो अन्य जो साझा तीन पार्टनर है ए एक्स और वाई, तो आप एक्टिव होकर अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं पर वाई किसी भी तरह से एक्टिव होकर कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे जेड और एक्स दोनों मिलकर क्या करेंगे, वाई प्रॉपर वे धंधे में ध्यान नहीं दे पा रहा है, सिर्फ उसको प्रॉफिट में ऐसा ही हिसाब मिल रहा है, तो ये दोनों डिसाइड करके वाई को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको मुक्ति दी जाती है, उसको रिटायर किया जाता है हमारे धंधे में से पार्टनरशिप फॉर्म में से। इसके बाद बी नंबर पॉइंट के समझो मतलब बी नंबर पॉइंट, बी में क्या है कि जब फर्दर की निजी कारणों से स्व इच्छा से निवृत्ति हो, कई बार जो पार्टनर है देखे अंदर तीन पार्टनर से पी क्यू और आर तीन पार्टनर से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं निजी कारण से या उसके जो हम जो पार्टनर है जैसे पी का पी पार्टनर ये क्या कर रहा है, इसके फैमिली मेंबर कोई ठीक नहीं रह रहा है या किसी कारणवश उसका दूसरा कोई बिजनेस है, तभी प्रॉपर वे में ध्यान न देने के कारण भी क्या करते हैं उस पार्टनर को धंधे में से निवृत्ति देते हैं, रिटायर कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे पार्टनर्स को ये लोग निवृत्त कर सकते हैं या पार्टनर कैसे निकल सकता है धंधे में से। ठीक है, अभी जो हम सम करेंगे लॉन्ग सम आएंगे हमारे एग्जाम में, ये चैप्टर कितने मार्क्स आता है इसमें 8 मार्क्स पर लॉन्ग सम आता है रिटायरमेंट का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक छोटा क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है, टोटल 9 से 10 मार्क का इस चैप्टर में से पूछा जाता है, 9 मार्क्स का तो पक्का ही पूछा जाता है। तो जब हम लॉन्ग सम करेंगे तो उसमें कौन कौन सी महत्व की बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट लाभ प्राप्त होने का नया अनुमान, जैसे मैंने बताया दो पार्टनर ए और बी, ए बी और सी तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो क्या है 3:2:1, सी को रिटायर कर देता है सी निकल जाता है, तो उनका जो नया प्रमाण होगा लाभ हानि का कौन सा कहा जाएगा, सीधा 3:2, ज्यादा कैलकुलेशन करने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक है ना, तो सीधा ऐसा नया रेशियो हो जाएगा 3:2, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद लाभ के प्रमाण की गणना, तीन पार्टनर है सी निकल गया इसका जो 1:1 था क्या होगा, दोनों को 50-50% मिलेगा। ठीक है, 50-50% मिलेगा, तो उनके उनका जो गेन होगा वो पुराने पार्टनर्स को कितने प्रमाण मिलेंगे वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे जाके सम्स में। ठीक है ना, गेनिंग रेशो हमने चैप्टर नंबर 4th किया था ना, उसमें गेनिंग रेशो निकाला था, बस उस फॉर्मूला के थ्रू गेनिंग रेशो निकालेंगे। इसके बाद छाती की रकम, कोई भी जब धंधा चलता है तो जैसे जैसे पुराना होता जाएगा तो उसकी शाख उसकी गुडविल बढ़ती जाती है, तो वो गुडविल बढ़ने के कारण उसकी उसको भी उस रकम का तो मिलनी चाहिए ना, उसकी भी कैलकुलेशन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसके बाद अनामत फंड का वितरण, जो फर्म के अंदर रिजर्व और प्रोविजन जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस वर्कमैन कंपनसेशन फंड अलग अलग तरह के जो फंड पड़े हैं और रिजर्व्स हैं, तो क्या करेंगे हमारे लाभ में से ही अलग किए गए तो वो भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो पुराने साझेदार थे उनको डिवाइड करेंगे। इसके बाद संपत्तियों का मूल्यांकन, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है जो हमारी धंधे के अंदर जो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो एसेट्स हैं को क्या किया जाता है, मार्केट वैल्यू पर लिया जाता है, जो भी बाजार मूल्य है उस वैल्यू पर लाया जाता है, क्यों, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसका बेनिफिट मिल सके, उसको अपना
हिस्सा मिल सके। ठीक है, इसके बाद जवाबदारी का आकलन। धंधे के अंदर कई सारी जवाबदारियां भी होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी जवाबदारियां होती है, क्रेडिटर्स लोन बैंक लोन वगैरह सब होते हैं, तब उनको किस रकम पर हम पे करेंगे उसका आकलन किया जाता है। और लास्ट नंबर पॉइंट, निर्धारित हो रहे संजोगों में अंतर को किस रकम में भुगतान किया जाएगा। कई बार क्या होता है, पार्टनर्स का उसने कैपिटल की है उससे ज्यादा अमाउंट होता है, कई बार कम होता है, ज्यादा होगा तो हमारी फर्म उनको पे करेगी, कम होगा तो उसे वसूल करेगी। ठीक है, यहां तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थ्योरी का पार्ट पूरा हुआ, कल हम क्या करेंगे इसके शॉर्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।